أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. سورة سبا. This is chapter Saba, verse 38. Your wealth and your children पूर्व तक ले आए सवाय इसके कि जो ईमान लाया और नेक अमाल बजा लाया, बस यही वो लोग हैं जिनको उनके अमाल के बदले जो वो करते थे दोहरी जजा दी जाएगी और वो बालाखानों में अमन के साथ रहने वाले होंगे. जो हकूक के मजामीन का सिलसिला चल रहा है उस सिलसिले में ये भी एक कड़ी है और इसका ताल्लुक ज़्यादातर बच्चों के हकूक से है. कहीं उस जीवन में माँ बाप पर हकूक जो हैं वो भी आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चों पर जो हकूक हैं उनका भी जिक्र आ जाता है, मगर उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता. मगर असल जोर जो है वो इस बात पर है कि अपने बच्चों के हकूक अदा करें. इस सिलसिले में पहली हदीस इब्ने माजा से ली गई है. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों से इज़्ज़त के साथ पेश आओ और उनकी अच्छी तरबियत करो. जो अपने बच्चों से शुरू से ही इज़्ज़त के साथ पेश आते हैं उनके बच्चे भी बड़े होकर उनकी भी इज़्ज़त करते हैं और बाहर दूसरों की भी इज़्ज़त करते हैं. तो ये सिलसिला आगे नस्ल बाद नस्ल चलता रहता है, इसलिए बच्चों को मामूली और हकीर समझ के झिड़कना नहीं चाहिए बेवजह, और जहाँ तक मुमकिन हो उनसे इज्जत का सलूक किया करो. दूसरी रिवायत तिर्मिज़ी अबवाबुल बिर वस्सुला से ली गई है. हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद और फिर अपने दादा के हवाले से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी तरबियत से बढ़कर कोई बेहतरीन आला तोहफा नहीं जो बाप अपनी औलाद को दे सकता है. एक अदबुल मुफरिद बुखारी से हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है. अबरार को अल्लाह ताला ने अबरार इसलिए कहा है, यानी अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लम के हैं. अबरार को अल्लाह ताला ने अबरार इसलिए कहा है कि उन्होंने अपने वालिदैन और बच्चों के साथ हुस्न सलूक किया. अब इसमें बच्चों पर जो हक है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का, उसका भी जिक्र इकट्ठा मिल गया है. तो अपने वालिदैन और बच्चों के साथ हुस्न सलूक किया, जिस तरह तुम पर तुम्हारे वालिद का हक है उसी तरह तुम पर तुम्हारे बच्चे का हक है. ये रवायत सुनन इब्ने दाऊद
किताब सलात से ली गई है, हजरत अम्र बिन शुएब के दादा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो, फिर 10 साल की उम्र तक उन्हें उस पर सख्ती से कारबंद करो, नीज उनके बिस्तर अलग अलग बिछाओ। नमाज तो इंसानी जिंदगी की जान है, नमाज ना हो तो कुछ भी रिश्ता खुदा से बाकी नहीं रहता। ये इस्लाम का सबसे बड़ा तोहफा है जो बच्चों इंसानों को पेश किया गया है, 5 वक्त नमाज। तो इसकी आदत डालने के लिए भी बचपन से तरबियत की जरूरत पड़ती है, अचानक बच्चों में ये आदत नहीं पड़ा करती। उसका तरीका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह समझाया है कि 7 साल की उम्र से उसको 7 नमाज पढ़ाना शुरू करो और प्यार से ऐसा करो, कोई सख्ती करने की ज़रूरत नहीं, कोई मारने की ज़रूरत नहीं, मोहब्बत और प्यार से उसको फिराओ और उसको आदत पड़ जाती है। दरअसल जो माँ बाप नमाजें पढ़ने वाले हों उनके 7 साल से छोटी उम्र के बच्चे भी नमाज पढ़ने लग जाते हैं। हमने तो घरों में देखा है वे नवासों वगैरह को बिल्कुल छोटी उम्र के, 1.5-2 साल की उम्र के साथ आके तो नियत कर लेते हैं और नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए उनको ऐसे अच्छा लगता है देखने में, खुदा के हुजूर उठना बैठना झुकना उनको प्यारा लगता है और वो साथ खड़े हो जाते हैं। मगर वो नमाज नहीं, महज एक नकल है जो अच्छी नकल है। लेकिन जब 7 साल की उम्र तक बच्चा पहुंच जाए तो फिर उसको बाकायदा नमाज की तरबियत दो, उसको बताओ कि वजू करना है, इस तरह खड़े होना है, क़याम क़ुऊद सजदा वगैरह सब उसको समझाओ। उसके बाद वो बच्चा अगर 10 साल की उम्र तक सीखता रहे प्यार और मोहब्बत से, फिर 10 और 12 के दरमियान उस पर कुछ सख्ती बेशक करो, क्योंकि वो खिलंडी उम्र ऐसी है कि उसमें कुछ मामूली सजा, कुछ सख्त लफ्ज कहना ये ज़रूरी हुआ करता है बच्चों की तरबियत के लिए। तो जब वो बुलूग को पहुंच जाए, 12 साल की उम्र को पहुंच जाए, फिर उस पर कोई सख्ती की इजाज़त नहीं, फिर उसका मामला और अल्लाह का मामला है और जैसा चाहे उससे सलूक फरमाए। तो इंसानी तरबियत का दायरा ये 7 साल से लेकर, बल्कि जैसा कि मैंने बयान किया है पहले से भी शुरू हो जाता है, 12 साल की यानी बुलूगत की उम्र तक फैला हुआ है। उसके बाद भी तरबियत तो जारी रहती है मगर वो और रंग है। जिम्मेदार इंसान अपनी औलाद का 12 साल की यानी बुलूगत की उम्र तक है। एक रवायत उमर बिन अबी सलमा से है कि वो कहते हैं, मैं बच्चा था और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठा हुआ था कि मेरा हाथ खाने की प्लेट में इधर उधर चला जाता था। आपने फरमाया, बेटा अल्लाह का नाम ले, दाहिने हाथ और अपने सामने से खाना खा। ये खाने के आदाब भी बचपन ही से बच्चों को सिखाने ज़रूरी हैं। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर कि उसको एक तो ये सिखाया जाए कि जो सामने है वही खाए और हर तरफ खाने में हाथ ना मारता फिरे, और दूसरे हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करे। ये बिस्मिल्लाह की आदत भी अगर बचपन में ना डाली जाए तो फिर बाद में पढ़नी बहुत मुश्किल है। इसलिए बचपन ही से बिस्मिल्लाह कहना, बिस्मिल्लाह की आदत डालना ये बहुत ही ज़रूरी है। और दाहिने हाथ से खाना खाना, कहते मैंने इस नसीहत को पल्ले बांध लिया और सारी उम्र फिर कभी प्लेट में इधर उधर हाथ नहीं दौड़ाए और जो मेरे सामने होता था वही खाता था और दाएं हाथ से खाता था और बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाता था। बिस्मिल्लाह पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बिस्मिल्लाह से खाना हलाल हो जाएगा, बल्कि महज अल्लाह को याद करना है कि अल्लाह के हुक्म से हमें ये सब कुछ अता हुआ है, उसकी नेमतें हैं। बाल लोगों को बिस्मिल्लाह पढ़ने की ऐसी आदत होती है
कि वो शराब पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, तो शराब उनकी बिस्मिल्लाह से मुसलमान नहीं हो सकती, ना इस बिस्मिल्लाह को उनको कोई फायदा पहुंच सकता है, बल्कि गुस्ताखी है ये बिस्मिल्लाह। कई दफा सियासी लोगों से मुझे वास्ता पड़ा है बचपन में, नौजवानी में, और मैंने खुद देखा एक साहब को, कि अब उसका नाम बताना तो मुनासिब नहीं, वो अपने लीडर को कह रहा था, वो उसको शराब पेश कर रहा था, उसको कह रहा था साईं बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो, कि पहले तुम बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो, फिर मैं भी शुरू करता हूँ। अब जो मर्जी बुजुर्ग बनते फिरें, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो मैं सही बयान कर रहा हूँ। एक रवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, वो अर्ज करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली अपने नवासे को चूमा तो पास बैठे अखरा बिन हाबिस तमीमी ने कहा कि मेरे तो 10 बच्चे हैं लेकिन मैंने किसी को कभी नहीं चूमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। तो बच्चों को चूमना ये सुन्नत है और बच्चों को प्यार देना, मगर इतना प्यार नहीं देना चाहिए कि वो उनके लिए वो वालिजान बन जाए। और इसी तरह जब बच्चों पे प्यार आता है तो दूसरे बच्चों को भी पर भी प्यार करना, प्यार आना चाहिए। ये महज नाजायज़ ख्याल है कि अपने बच्चों को तो प्यार करो, दूसरों को ना करो। बच्चा मासूम खुद प्यार चाहता है, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को भी प्यार देते थे और दूसरे बच्चों को भी प्यार दिया करते थे। और बचपन के प्यार, बचपन से प्यार देना भी बच्चों की तरबियत के लिए बड़ा ज़रूरी है। एक और रवायत हज़रत अबू हुरैरा से है कि मरवी है, मैं देखने लगा हूँ किस हदीस में है ये। الادب المفرد البخاري حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، وہ اسے اپنے ساتھ چمٹانے لگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے رحم کا سلوک کرتے ہو؟ اس پر اس نے جواب دیا جی حضور۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پر اس سے بہت زیادہ رحم کرے گا جتنا تم اس بچے پر کر رہے ہو، وہ ارحم الراحمین ہے، اللہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی کتاب ادب المفرد سے ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر شکل و صورت، چال ڈھال، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر شکل و صورت، چال ڈھال اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ فاطمہ جب کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر چومتے، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ اسی طرح جب حضور ملنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، حضور کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر حضور کو بٹھاتی۔ حضرت عائشہ کی ایک اور روایت میں جو غالباً اسی کتاب سے لی گئی ہے، یہ صفحہ دورا ہوا ہوتا ہے، اس کو اوپر روایت کا لکھ دیا کریں، اس کو الٹا کے دیکھنا پڑتا۔ بخاری کتاب الزکات سے یہ روایت لی گئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک غریب عورت میرے پاس آئی جس نے اپنی دو بچیاں اٹھا رکھی تھیں، میں نے اس کو 3 کھجوریں دیں،
उसने दोनों बेटियों को एक एक खजूर दे दी और एक खजूर खाने के लिए अपने मुंह में डालने ही वाली थी, लेकिन ये खजूर भी उसकी बेटियों से मांग ली। इस पर उसने उस खजूर के जिसे वो खाना चाहती थी दो हिस्से किए और दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया। मुझे उसकी ये अदा बहुत पसंद आई और मैंने इसका जिक्र आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी, या ये फरमाया कि उस शफकत की वजह से उसे आग से आज़ाद कर दिया। तो बच्चों से प्यार करना ये महज अपने कल्बी जज्बात का इजहार ही नहीं, बल्कि अल्लाह को बच्चे इतने प्यारे हैं कि उनसे प्यार भी अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। अब माँ ने अपने एक तभी जज्बे से उस बच्चियों की जो कुर्बानी दी, लेकिन अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आई। और जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐसी माओं पर जो बचपन से बच्चों से मोहब्बत का सलूक करती हैं उन पर जन्नत हराम कर जहन्नम हराम कर दी जाती है। तर्जमा दूसरी एक रिवायत का यह है, अबू राफे बिन अमर गफारी के चचा से मरवी है, वो कहते हैं कि मैं अभी बच्चा ही था तो अनसार की खजूरों पर पत्थर मार मार कर फर गिराया करता था। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दूर से हुआ तो आपसे अर्ज़ किया गया कि यहाँ एक लड़का है जो हमारी खजूरों को पत्थर मारता है और फल गिराता है। चुनाचे मुझे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया तो आपने पूछा, ऐ लड़के तू क्यों खजूरों को पत्थर मारता है? मैंने अर्ज़ किया कि ताकि मैं खजूरें खा सकूं। फरमाया, आइंदा खजूर के दरख्त को पत्थर ना मारना, हाँ जो फल गिर जाए उसे खा लिया कर। फिर आपने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और दुआ दी कि अल्लाहुम्मा अशबे बतनहु, कि ऐ मेरे अल्लाह इसका पेट भर दे। इस रिवायत में कई ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए नसीहत हैं। एक तो ये कि सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने उस बच्चे को खुद पकड़ के मारा नहीं, ये भी एक बहुत ही ज़रूरी आदत है, क्योंकि अगर दूसरे के बच्चों को पकड़ कर मारा जाए तो उससे बहुत खराबियां पैदा हो जाती हैं। बहुत बड़े फसादात की जड़ ये बीमारी है। किसी बच्चे को शरारत करते देखा तो बजाय इसके कि उसके माँ बाप तक बात पहुँचाएँ, उस वक्त प्यार से रोक दें, खुद हाथ उठा लेते हैं और उसके नतीजे में बड़े बड़े फसादात बर्पा हो जाते हैं। तो सहाबा की आदत नहीं थी, जानते थे कि कौन बच्चा है, लेकिन उसकी शिकायत आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास की और हजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़े प्यार से उससे पूछा तो उसके जवाब पर कि मैं खजूरें खा सकूँ इसलिए करता हूँ, आपने फरमाया पत्थर ना मारा करो, जो नीचे गिर जाए खुद बखुद उसको खा लिया करो। अब बज़ाहिर इस रवायत का हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम की बाज़ रवायात से एक तज़ाद सा दिखाई देता है, जिनसे पता चलता है कि फल अगर गिर भी जाए तो मालिक की इजाज़त के बगैर नहीं खाना, और इसमें है वो खा लिया करो। दरअसल ये बात लोग भूल जाते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सब सहाबा मालिक ही समझते थे और आपकी इजाज़त देना उन सब की इजाज़त देना था। ये नामुमकिन था कि हजूर के लफ्ज़ को सुनकर वो फिदा ना हों और अपना ही मामला समझें। बस उस बच्चे को जो इजाज़त दी गई, ये रसूलुल्लाह सल्लम का भी अपने सहाबा पर कितना एतमाद था, जानते थे कि ये मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मुझे बाप से भी बढ़कर समझते हैं। एक रिवायत सही बुखारी किताबुल मनाकिब बाब इलामातुन नबूवत फिल इस्लाम चली गई है। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक टीले पर खड़े होकर झांका और फरमाया, क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? मैं तो देख रहा हूं कि फितने तुम्हारे घरों में बारिश की तरह गिर रहे हैं। एक तो ऊंची जगह खड़ा हो इंसान वो ज्यादा दूर तक देख सकता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टीले पर चढ़ना
ये इस बात को जाहिर करता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली नस्लों को भी देख रहे थे, यानी आपकी निगाह दूर तक फैली हुई थी। और ये बुनियादी हिकमत की बात है, ये नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, वरना इस हदीस की समझ नहीं आएगी और यूं लगेगा जैसे सहाबा पर फितने नाजिल हो रहे थे और उनके बच्चों उनको बारिश की तरह गिर रहे थे। हरगिज़ नहीं, मुराद ये है कि आइंदा ऐसी नस्लें आने वाली हैं जिनको अपने बच्चों की सही तरबियत की तौफीक नहीं मिलेगी, उनको उन पर बारिश की तरह फितने नाजिल होंगे। और ये हदीस आजकल इतलाक पा रही है, आजकल बच्चों की तरबियत में वो कोताहियां की जा रही हैं जिनके नतीजे में फिर उनके लिए फितने पैदा होते हैं। हजरत जाबिर बिन समरा की तिर्मिज़ी किताबुल बिर व सलात में ये रवायत है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स का अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना सदका देने से ज्यादा बेहतर है। सदका तो बहुत अच्छा है, मगर औलाद की तरबियत से लामुतनाही सिलसिला सदकात का शुरू हो जाता है। अच्छी तरबियत वाली औलाद वो आइंदा लोगों के लिए नेकी का मुझे बनती है, वो सदके देती है उसके औलाद आगे औलाद, और ये मोहब्बत का सिलसिला नस्ल बदल नस्ल चलता है। बस ये माने हैं कि एक सदका तुम दे दो वो तो वहीं रुक जाएगा, मगर औलाद की तरबियत अच्छी करोगे तो औलाद तुम्हारे लिए एक सदका जारिया साबित होगी। एक हदीस मुस्नद अभी दाऊद से ली गई है, हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी एक बेटी हो फिर वो उसे जिंदा दरगोर ना करे, ना ही उसकी तजलील करे, और अपने दीगर बच्चों के यानी लड़कों को उस पर तरजीह ना दे तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। जिंदा दरगोर का तो अब वक्त नहीं रहा, मगर जिंदा दरगोर रूहानी मानों में लोग कर दिया करते हैं, अपनी बच्चियों को की बद तरबियत के जरिए या उनकी तरबियत से गाफिल रहने की वजह से अमलन उनको वो जिंदा दरगोर ही कर देते हैं। बस ये हदीस भी पुराने जमाने पर सिर्फ इतलाक नहीं पाती, इससे में नए जमाने पर भी इतलाक पा रही है। ना ही उसकी तजलील करे, बहुत सी बच्चियां शिकायत करती हैं कि हमारे माँ बाप बड़ी जिल्लत से हमसे सलूक करते हैं, खीर जानते हैं, और वो इसकी वजह से नफसियाती मरीजा बन जाती हैं और उम्र भर उनको ये रोग लग जाता है। तो माँ बाप को अपनी बच्चियों से भी बहुत प्यार का सलूक करना चाहिए। बाज़ दफ़ा अगर किसी की बेटियाँ ही हों और बेटा ना हो तो जो बदखुल्क वालिद है वो बीवी को भी ताने देता रहता है और बच्ची को भी, तो ये बहुत ही गंदी रस्में हैं जो बदबख्ती से हमारे मुल्क में बहुत पाई जाती हैं। ये शुक्र है कि यूरोप और इंग्लिस्तान में अल्लाह ताला के फज़ल के साथ कम से कम ये गंदगी नहीं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत पर खूब गौर करें कि ना ही उसकी तजलील करें, और अगर लड़के हों तो लड़कों को उस पर तरजीह ना दे तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा देगा। एक हदीस मुस्लिम किताबुल बिर व सलात में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो लड़कियों की परवरिश की यहां तक कि वो बुलूग़ को पहुंच जाए तो क़यामत के रोज मैं और वो इकट्ठे आएंगे। इस पर हुजूर ने अपनी उंगलियों को बाहम भेंच कर दिखाया किस तरह इकट्ठे होंगे। अब यहाँ दो हों या चार हों ये बहस नहीं, मगर दो की तरबियत में एक की तरबियत के अलावा क्या बात है जब दो का जिक्र फरमाया गया या दो से ज़्यादा हों, तो मतलब यह है कि दो बच्चियाँ एक दूसरे से नमूना पकड़ती हैं, और अगर
बड़ी बच्ची की अच्छी तरबियत हो तो दूसरी की भी साथ ही सही तरबियत हो जाती है, और दोनों की तरबियत पर मुतवज्जे होना चाहिए माँ बाप को। अगर वो ऐसा करेंगे तो चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत प्यार से करते थे और बहुत अच्छी तरबियत करते थे, तो गोया आपका उस्वा उन्होंने अपना लिया। इस पहलू से फरमाया है कि जन्नत में वो इस तरह होंगे जैसे मैं और वो, हम दो जुड़ी हुई उंगलियों की तरह होंगे। इब्ने माजा अबू दाऊद अबवाबुल अदब से ये रवायत सुराखा बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ली गई है कि आहरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन सदका के बारे में ना बताऊं? तुम्हारी मुतल्लका या बेवा बेटी जिसका तुम्हारे सवा और कोई कमाने वाला ना हो, उसकी जरूरियात का ख्याल रखना बेहतरीन सदका है। अब ये बहुत ही आला दर्जे की नसीहत है। कई लोग अपनी मुतल्लका या बेवा बेटियों का ख्याल नहीं करते, मगर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सबसे ज़्यादा तुम्हारे सदके यानी तुम्हारी तरफ से हुस्न एहसान की मोहताज हैं और हकदार हैं। उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना बेहतरीन सदका है। एक तरफ तो ये नसीहत है माँ बाप को कि वो अपनी मुतलका और बेवी बेटियों का, बेवा बेटियों का भी ख्याल रखें, उन पर हर तरह से खर्च करें, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से बाज बच्चियां शिकायत करती हैं जो बिल्कुल इसके बरक्स मामला है। एक बच्ची ने बड़े ही दर्दनाक खत लिखा है। वो लिखती है कि मैं तो बैठी बूढ़ी हो रही हूँ और माँ बाप मेरी कमाई खा रहे हैं और मेरी कमाई पर बैठे हुए हैं। अब ये देखो कितना बड़ा जुल्म है, बिल्कुल बरक्स मामला है। बजाय इसके कि अपनी बच्चियों को पालें जो ज़रूरतमंद हों, वो उल्टा उनकी कमाई पर बैठे विराजमान हैं और उनकी कमाइयाँ खा रहे हैं और ये देखते ही नहीं कि उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अकल दे। ऐसे लोग वाक़ियतन मिलते हैं आजकल भी। किसी बच्ची ने मुझे लिख दिया ये, लेकिन हर बच्ची मुझे लिखा तो नहीं करती, मगर ऐसे माँ बाप बहुत हैं दुनिया में। एक अबू दाऊद से रवायत है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक कंवारी लड़की आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बयान किया कि उसके वालिद ने उसकी शादी की है और ये शादी उसे नापसंद है। चुनांचे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इख्तियार दिया कि वो चाहे तो इस निकाह को कायम रखे और अगर चाहे तो उसे रद्द कर दे। ये भी एक खराबी है जो आजकल भी जारी है। और मुझे कल परसों ही एक बच्ची का ख़त आया कि मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती जर्मनी में मेरी एक जगह शादी की हुई है और गालबन इस ख्याल से कि मैं गैर मुल्क में चली जाऊँगी और बहुत खुश रहूँगी, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा। दुआ इस्तखारा करती हूँ लेकिन तबीयत में बेहद तरद्दुद है, तो वो मुझ पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैंने इसरा इरशाद को लिखा है कि फौरी तौर पर तवज्जो करें, कोई हक नहीं है माँ बाप का अपनी बेटियों की मर्जी के खिलाफ शादी करना, पूरी तहकीक करनी चाहिए। और अक्सर माँ बाप को जब समझाया जाता है तो अल्लाह के फजल से वो समझ भी जाते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मंगनी छोड़ के निकाह का भी जिक्र किया है कि अगर निकाह भी हो चुका हो तो फिर भी उसको अख्तियार है, चाहे तो रद्द कर दे, चाहे तो छोड़ दे, चाहे तो कबूल कर ले। इब्ने माजा अबाबुल अदब बाबुल बिर से रवायत है, बाबुल बिरिल वालिदे से में मरवी है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों से इज्जत के साथ पेश आओ और उनकी अच्छी तरबियत करो। हमारी बाज रिवाजों के मुताबिक बाज लोगों में खासतौर पर यूपी में ये खूबी पाई जाती है कि बच्चों से इज्जत से पेश आते हैं, उनको आप करके मुखातब करते हैं
और ये एक रस्म वहाँ चली हुई है, मगर है बहुत प्यारी रस्म। बच्चों को अगर आप नहीं कह सकते तो प्यार से तो मुखातिब करें, कम से कम उनके दिल में ख्याल हो कि मेरा एहतराम है, और यही एहतराम फिर आगे जाके आपके लिए उनके दिलों में पैदा होगा। तिर्मिज़ी अबाबुल बिर वसिला में मरवी है, हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने वालिद और फिर अपने दादा के हवाले से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी तरबियत से बढ़कर कोई बेहतरीन आला तोहफा नहीं जो बाप अपनी औलाद को दे सकता हो, उस सारी उम्र उसके काम आएगा। और माल व दौलत देना, दुआ करना, वो तो इस नीयत के साथ कि उसके हक में बेहतर हो, कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं में है, दे उनको उम्र व दौलत, मगर वो दौलत जो उनके पाँव की जूती हो, वो दौलत उन पर सवार ना हो जाए। बस इस पहलू से बच्चों के लिए दौलत मांगना भी ठीक है, मगर इस नीयत के साथ कि वो दौलत बच्चे आगे खुदा की राह में खर्च करने वाले हों। एक रवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रिज़वानुल्लाह अलैहिम से मरवी है, हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि अबरार को अल्लाह ताला ने अबरार इसलिए कहा है कि उन्होंने अपने वालदैन और बच्चों के साथ उसने सलूक किया, जिस तरह तुम पर तुम्हारे वालिद का हक है उसी तरह तुम पर तुम्हारे बच्चे का हक है। ये गालबन रवायतें हो चुकी हैं पहले, तो इसी तरफ रख दिया सर जी। ये तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी वसीयतें थीं जो सीधा दिल में गढ़ जाती हैं, दिल से निकलती हैं, दिल में उतर जाती हैं, सादा लफ्ज़ हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत का ये अंदाज़ है कि थोड़ी सी बातों में बहुत सी बातें कह जाते हैं, और गोता लगाकर उसके अंदर छुपे हुए मोतियों को तलाश करना पड़ता है। तो इस पहलू से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी हमेशा गौर किया और उसमें छुपे हुए मोतियों को निकाला और हमारे सामने उसको आसान करके इस बात को पेश कर दिया। अब मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाज़ इक़्तबासात आपके सामने रखता हूँ। फरमाते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि मैं बच्चा था, जवान हुआ, अब बूढ़ा हो गया, मैंने मुत्तकी को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा कि उसे रिज़्क की मार हो और ना उसकी औलाद को टुकड़े मांगते देखा, अल्लाह ताला तो कई पुश्त तक रियायत रखता है। ये बात भी ऐसी है जिसको जमात अहमदिया में हर घर में मुशाहदा किया गया है कि बहुत से गरीब माँ बाप बेहद कुर्बानियाँ करने वाले, वो अल्लाह के हजूर हाजिर भी हो चुके हैं और उनकी औलादें दुनिया में बड़े बड़े आला मराते पर फायज हैं। खुदा ताला ने गरीबों की औलादों में इतनी दौलत दी है कि उनको समझ नहीं आती कि खर्च कैसे करें। बहरहाल अक्सर वही हैं जो खुदा की राह में खर्च करते हैं। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये जो बात है ये हज़रत दाऊद की ज़बूर से ली है जो आप बयान कर रहे हैं। कहते हैं, ये हमने तो किसी को सात पुश्तों तक फिर भूखा मरते नहीं देखा। तो अच्छी तरबियत करें और दौलत के लिए बेशक दुआ करें, मगर इस शर्त के साथ जो मैंने बयान की है, और ये यकीन रखें कि खुदा मुत्तकियों को औलाद को ज़ाया नहीं किया करता। इसके नतीजे में हज़रत मिश्रा फरमाते हैं, बस खुद नेक बनो और अपनी औलाद के लिए एक उम्दा नमूना नेकी और तकवा का हो जाओ और उसको मुत्तकी और दीनदार बनाने के लिए सही और दुआ करो। जिस कदर तुम कोशिश तुम उनके लिए माल जमा करने की करते हो, उसी कदर कोशिश इस अमर में करो।
ایک اور روایت میں حضرت وسیم علیہ السلام یہ بیان کرتے ہیں. پھر ایک اور بات ہے کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے, مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اولاد کی تربیت اور ان کو عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرما بردار بنانے کی صحیح اور فکر کریں. یہ جو فرمایا ہے کبھی نہیں دیکھا گیا, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اولاد کی بے انتہا خواہش, جاہلانہ خواہش رکھتے ہیں, ان کا ذکر فرما رہے ہیں. ورنہ حضرت مسلم کا اپنا عمل, آپ کے صحابہ کا عمل بالکل برعکس تھا اس بات سے کہ وہ اپنی اولاد کی نیک چلن کے بارے میں بالکل بے پرواہ ہوں. بس کبھی نہیں دیکھا گیا کہ یہ مراد نہیں کہ ایسے نیک لوگ نہیں ہوتے جو اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے. پھر یہ بھی فرمایا نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتے ہوئے تربیت کو مدنظر رکھتے ہیں. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا سلوک تو یہ تھا کہ اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے بھی ان کے لیے دعائیں کی ہیں, بہت پہلے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہوئی تھیں. تو کہاں حضرت ابراہیم کا زمانہ, کہاں رسول اللہ علیہ وسلم, کتنا فاصلہ ہے سالوں کا, مگر وہ دعائیں دیکھو کیسی قبول ہوئیں. بس اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے دعا کیا کرو. فرمایا میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا. بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بری عادتیں سکھا دیتے ہیں. ابتدا میں وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں. یاد رکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا. جب وہ اسے قاصر ہے تو اور نیکیوں کی امید اس سے کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خواہش کو اس طرح پر قرآن میں بیان فرمایا ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یعنی خدا تو ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما دے, اور یہ تبھی میسر آ سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں بلکہ عباد الرحمان کی زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہر شے پر مقدم کرنے والے ہوں. اور آگے کھول کر کہہ دیا وجعلنا للمتقین اماما, اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو یہ ان کا امام ہی ہوگا. اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دعا ہے. وجعلنا للمتقین اماما سے مراد یہ ہے کہ آگے نسل بعد نسل متقی پیدا ہوتے چلے جائیں, ان کا پیشرو بن جائیں. تو امام جو سب سے آگے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان معنوں میں امام تھے کہ آپ کے بعد نسل بعد نسل آپ کی نیکیاں جاری رہنی تھیں. پھر فرماتے ہیں جب تک اولاد کی خواہش میں اس غرض کے لیے نہ ہو کہ وہ دیندار اور متقی ہو اور خدا تعالیٰ کی فرما بردار ہو کر اس کے دین کی خادم بنے, بالکل فضول بلکہ ایک قسم کی معصیت اور گناہ ہے. اور باقیات صالحات کی بجائے اس کا نام باقیات سیئات رکھنا جائز ہوگا. یعنی نیک باقیات نہیں بلکہ بد باقیات. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادم دین اولاد کی خواہش کرتا ہوں تو اس کا یہ کہنا بھی نرا ایک دعویٰ ہے, دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے. اگر خود فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے اور منہ سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اولاد کی خواہش کرتا ہوں تو وہ اپنے اس دعویٰ میں کذاب ہے. صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ زندگی بنا دے, تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیات صالحات کا مصداق کہیں. لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لیے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے
और वो हमारे इमलाक और असबाब की वारिस हो या वो बड़ी नामवर और मशहूर हो, इस किस्म की ख्वाहिश मेरे नज़दीक शिर्क है। सबसे ज़रूरी बात इस नसीहत में यही है कि माँ बाप जो औलाद के लिए दुआएं भी करते होंगे, ख्वाहिश भी रखते होंगे कि नेक हों, अगर खुद नेक नमूना ना दिखाएं, घर में दंगा फसाद हो, गंदी जुबान हो, तो बच्चों को घर के दबाव में रहने के नतीजे में अगर वो आदत ना भी पड़े, यानी वो आदत माँ बाप के सामने नंगी ना हो और छुप कर, मगर वो बाहर जाएंगे तो छुप कर फिर गालियां देंगे, तो माँ बाप ही समझते हैं कि इनकी तबीयत अच्छी हो रही है, हम इनको दबा कर रख रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बच्चा माँ बाप की के अंदरूने को समझता है। अगर माँ बाप बच्चे के साथ वो सलूक करें जो दिल से चाहते हैं तो फिर खुद भी वैसा बने, जब खुद वैसा बनेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला ऐसे बच्चों को फिर नेक बनाता है और उन्हीं नेकियों के साथ वो जवान होते हैं। फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औलाद का फितना भी बहुत सख्त होता है, अक्सर लोग मुझे घबरा कर ख़त लिखते रहते हैं कि आप दुआ करें मेरी औलाद हो। औलाद का फितना ऐसा सख्त है कि बाज़ नादान औलाद के मर जाने के सबब देहरिया हो जाते हैं। बाज़ जगह औलाद इंसान को ऐसी अजीज होती है कि उसके वास्ते खुदा ताला का शरीक बन जाती है। बाज़ बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं तो वो माँ बाप के वास्ते सलब ईमान का मुजीब बन जाते हैं। फिर फरमाते हैं, हमने तो अपनी औलाद वगैरह का पहले ही से फैसला किया हुआ है कि सब खुदा ताला का माल है और हमारा इसमें कुछ ताल्लुक नहीं, और हम भी खुदा ताला का माल हैं, जिन्होंने पहले ही से फैसला किया होता है उनको गम नहीं हुआ करता। फिर फरमाते हैं, दीन की जड़ इसमें है कि हर अम्र में खुदा ताला को मुकदम रखो। दरअसल हम तो खुदा के हैं और खुदा हमारा है, और किसी से हमको क्या गरज है एक नहीं करोड़ औलाद मर जाए और खुदा राजी रहे तो कोई गम की बात नहीं, अगर औलाद जिंदा भी रहे तो बगैर खुदा के फजल के वो भी मुझे इब्तला हो जाती है। बाद आदमी औलाद की वजह से जेल खानों में जाते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स का किस्सा बयान किया है कि वो औलाद की शरारत के सबब पाबंद जंजीर था। औलाद को मेहमान समझना चाहिए, उसकी खातिरदारी करनी चाहिए, उसकी दिलजोई करनी चाहिए, मगर खुदा ताला पर किसी को मुकदम नहीं करना चाहिए। औलाद क्या बना सकती है, खुदा ताला की रजा जरूरी है। फिर फरमाते हैं, मेरे नज़दीक बच्चों को यूं मारना शिर्क में दाखिल है, गोया बदमिजाज मारने वाला हदायत और रबूबियत में अपने तय हिस्सेदार बनाना चाहता है। एक जोश वाला आदमी जब किसी बात पर सजा देता है तो इश्तियाल में बढ़ते बढ़ते एक दुश्मन का रंग इख्तियार कर जाता है और जुर्म की हद से सजा में कोसों तजावज कर जाता है। अगर कोई शख्स खुददार और अपने नफ्स की बाग को काबू से ना देने वाला और पूरा मुतहम्मिल और बुर्दबार और बासुकून और बावकार हो तो उसे हलबत्ता हक पहुंचता है कि किसी वक्त मुनासिब पर किसी हद तक बच्चे को सजा दे या चश्म नुमाई करे, मगर मगलूबुल गज़ब और सुबक सर और ताइशुल अक़ल हरगिज सजावार नहीं कि बच्चों की तरबियत का मुतकफ़िल हो। जिस तरह और जिस कदर सजा देने में कोशिश की जाती है, काश दुआ में लग जाएं और अपने बच्चों के लिए सोजे दिल से दुआ करने को एक हिज्ब मुकर्र कर लें, इसलिए कि वालदैन की दुआ को बच्चों के हक में खास कबूल बख्शा गया है। आखिरी रवायत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मलफूज़ात जिल्द 2 से ली गई है। इसके बाद कुछ
روایتیں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کی، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور بعض حضرت یعقوب علیہ السلام فانی کی، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی یاد کے بچوں سے سلوک کے بارے میں ہیں، وہ اب وقت نہیں رہا، پھر آئندہ بیان کر دیں گے اگلے خطبے میں. اس روایت کے بعد میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. ہدایت اور تربیت حقیقی خدا تعالیٰ کا فعل ہے. سخت پیچھا کرنا اور ایک امر پر اصرار کو حد سے گزار دینا، یعنی بات بات پر بچوں کو روکنا اور ٹوکنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں اور ہم کو اپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے. یہ قسم کا شرک خفی ہے، اس سے ہماری جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے. ہم تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور سرسری طور پر قواعد اور آداب تعلیم کی پابندی کراتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں، اور پھر اپنا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں. جیسا کسی میں سعادت کا تخم ہوگا، وقت پر سرسبز ہو جائے گا. یہاں ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ بچوں کو شرارتوں سے ٹوکنا نرمی کے ساتھ اپنے گھر میں ایک ایسی عادت ہے کہ اس کے نتیجے میں بچے پھر دوسروں کے گھر میں بھی جا کے شرارتیں نہیں کرتے. لیکن بعض ماں باپ عجیب خصلت رکھتے ہیں، اپنے گھر میں اپنی چیزوں کے نقصان پر تو بہت غصہ چڑھتا ہے ان کو، اور بہت وہ بچوں سے سختی کرتے ہیں، مگر وہی بچے جب دوسرے کے گھر جائیں، ان کی قیمتی سے قیمتی چیزیں بھی توڑ پھوڑ کے پھینک دیں تو ان کو روکتے نہیں. ایسے ماں باپ کو چاہیے ہی نہیں کہ بچوں کو لے کے دوسروں کے گھروں میں جائیں، اور اگر جائیں تو ان کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا کے رکھیں. اس وقت کی جو سختی ہے اس کے خلاف حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں فرما رہا ہے. بس اب اس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نصیحت کے بعد میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں، اور جو روایات رہ گئی ہیں ان کو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں یا کسی اور موقع پر پیش کیا جائے گا. یہ بھی لے لیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.